मैं हूँ इस वक्त आसनसोल के पास। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 7:15 और रोड मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए टॉप स्पीड चेक करते हैं इसकी कितनी आती है। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मैं ट्राई किया हूँ। 125, बस गाड़ियाँ साइड हो जाए। 136, 140, 143, ये एक गड़बड़ हो जाता है। मतलब जब अपने पीक पे था तभी सामने ट्रक आ गई। एक और ट्राई लेते हैं। सामने थोड़ा खाली दिख रहा है, शायद मैं उठा सकूं। से ऊपर नहीं गई। वैसे मैंने हिमालयन 450 की जो टॉप स्पीड मैंने खुद देखा है 169 तक गई है। तो ये वेरी करती है दो चीज़ों पे। पहला कि आपका जो रोड है वो रोड किस कंडीशन में है। दूसरा जो है, क्योंकि बीच में होता क्या है कि कभी कभी सामने से कोई गाड़ियाँ आ जाए तो थोड़ा बहुत जो है एक्सीलेटर का इशू हो जाता है। और दूसरा इशू जो होता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है हेवी वेट। अगर मान लीजिए मेरी वेट ऑलमोस्ट 78 के आसपास है, 80 मान लेते हैं, अगर कोई अप टू 60 केजी का कोई बंदा चलाएगा तो ऑलमोस्ट जाहिर सी बात है ये 160 टच कर देगी। तीसरा रीज़न है एयर का। एयर प्रेशर जब आप बाइक राइड करते हैं उस स्पीड में, तो सामने से एक हवा का प्रेशर पड़ता है आपके बॉडी पे, तो उस प्रेशर की वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ता है। और वो प्रेशर जो है इस वक्त देख सकते हैं टैंक बैग लगा हुआ है और मैं खुद बैठा हुआ हूँ, उसके बाद मतलब एक बैग है मेरे पीछे। तो इसकी वजह से मैं भी राइड के दौरान मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। और जो लोग रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 न्यू मॉडल लेना चाह रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ कि किस तरह की टॉप स्पीड इसकी आती है। और या फिर जो लोग दावा करते हैं 180 190 जाती है, या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 120 130 जाती है, तो वैसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। तो चलिए गुड मॉर्निंग के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड डे।